हम लोग तो शुरू से ही लखनऊ के बाशिंदे हैं। ऐवान हैदर, दैट इज द अबोड ऑफ द हैदर, घर रहते हैं जहां हैदर रहते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग तो 1939 में कंप्लीट हुई थी बनके, सो अप्रॉक्सीमेटली 100 साल के करीबी है। तो चौधरी हैदर हुसैन हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्हीं ने बनवाई थी, उन्हीं ने शुरू कराई थी और 1939 में कंप्लीट हो गई थी। तो ही वॉज अ बैरिस्टर ऑल्सो एंड अ मेम्बर ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना पहला इलेक्शन उन्हीं को हरा के जीते थे बलरामपुर से। सो बेसिकली हम आई एम द फोर्थ जनरेशन लिविंग इन दिस हाउस। ये घर एक्चुअली 1930s में बना था एंड द ब्यूटी अबाउट द सिटी इज दैट इट हैज़ टेकन ऑल द लेयर्स विद इन द एम्बिट। सो जो जो इन्फ्लुएंस आती गई वो ये शहर अब्जॉर्ब करता गया। और ब्रिटिशर्स का 1857 के बाद का जो टाइम था वो उन्होंने लखनऊ को साफ करने में लगाया। दे ट्राई टू क्लीन द सिटी, दे ट्राई टू मेक इट मोर हैबिटेबल एज पर देयर स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो सेफ, विच आफ्टर 1857 यू नो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दे थॉट दैट इट वॉज रियली अनसेफ बिकॉज द म्यूटिनियर्स कुड हाइड वेर एवर दे हैड टू। सो ये जो घर है ये एक टिपिकल ब्रिटिश टाइप के घर की तरह बना हुआ है, अ विला टाइप विच हैज़ अ लार्ज फ्रंटल स्पेस। जो कोर्टयार्ड हाउसेज होते हैं उसमें बीच में आंगन होता था, बट ये एक साइमल्टेनियस एग्जिस्टिंग ओल्ड हाउस है जहाँ पर बीच में एक बड़ा सा फ्रंट यार्ड होता था जहाँ पर कार खड़ी होती थी, जहाँ पर गार्डन होता था एंड इट यूज़ टू फेस द लेन्स। ओवर टाइम दे एडेड द फ्रंट पार्ट विच वॉज मच ग्रैंडर, मोर इलेबोरेट एंड मोर एम्बेलिश्ड, प्रॉब्ली टू मेक अ स्टेटमेंट एंड ऑल्सो टू गिव अ नाइस कोर्टयार्ड इन द सेंटर विच ओवर टाइम प्रॉब्ली लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वॉज नॉट यूज दैट मच। बहुत कुछ देखा, इट हैज़ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट अटैच टू इट। पंडित नेहरू यहाँ से स्पीच देते थे अपनी, ये था। एंड ये जो पार्क आप सामने देखेंगे ये झंडे वाला पार्क कहलाता था। बहुत हिस्टोरिकल रेवरेंस इसका भी है, रैलीज होती थी प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड नेहरू जी यूज़ टू एड्रेस द जनता फ्रॉम दिस बिल्डिंग ओनली। तो और फिर कांग्रेस का ऑफिस भी रहा है इसमें नीचे, AICC का ऑफिस शुरुआत में यहीं पे था। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल एंड अ लॉट ऑफ डेली न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अब तो वो लोग बहुत ऊंचे मकाम पर हैं और कुछ हैं जो बंद हो गए हैं। तो पॉलिटिकली और सोशली बहुत रेवरेंस रही है इस बिल्डिंग की। लखनऊ की जितनी अवध के आर्किटेक्चर की जितनी खास बातें हैं वो सब इस घर में हैं, मटेरियल वाइज, फिनिशेस वाइज, एम्बेलिशमेंट वाइज। जैसे आप ब्रिक देखेंगे यहाँ पर, वो यूज़ तो मॉडुलर ब्रिक हुई हैं क्योंकि तब तक लोखारी ब्रिक यूज़ होनी कम हो गई थी, बट उस ब्रिक को कस्टम मेड बना करके इसके एम्बेलिशमेंट्स बनाए गए हैं। तो जैसे कहीं पर कर्व है तो वहाँ पर गोल ब्रिक यूज़ करी गई है, जहाँ पर कोनिकल है वहाँ पर उसी शेप की पतली ब्रिक यूज़ करी गई है जिससे मिनिमम स्टको वर्क करना पड़े। और इसका स्टको जैसे अभी भी दिखता है हमको, तो ये स्टको अगर आप इसका थोड़ा सा देखें तो इसमें क्रिस्टलाइन फ्लेक्स दिखेंगे आपको, आपको सुर्खी दिखेगा, आपको शेल पेस्ट भी थोड़ा नज़र आएगा। जो मटेरियल्स उड़द दाल की हम बात करते हैं, सरेस की करते हैं, एंड वो अभी भी होल्ड कर रहा है। इफ़ यू लुक एट इट, यू नो जहाँ पर भी सीमेंट लगाया गया बाद में रेनोवेशन के लिए वो सारा झड़ रहा है, बल्कि बिकॉज वन इट डज़ नॉट गो विद दैट मटीरियल एंड सेकेंड सीमेंट डजंट हैव दैट मच ऑफ एन एडेयरिंग कैपेसिटी। तो ये जो हमारा पुराना मॉर्टर है या ये स्टको है ये अभी तक आपको इसमें दिखेगा, जो कि बाकी सारी लखनऊ की इमारतों में भी दिखाई देता है। पूरा बचपन यहाँ गुजरा है, यहीं पे
पतंग उड़ाई है, यहीं पे सर फूटा है, यहीं से कूद जाते थे तो हाथ टूट जाता था, और यही सब है बचपन का सारा। बाकी फिर फॉर द एजुकेशन वेंट टू मसूरी, फॉर द एजुकेशन आई वाज इन क्लास वन व्हेन आई वेंट टू मसूरी, तो यहाँ तो छुट्टियों ही में आते थे हम लोग। हमारे चाइल्डहुड में यहाँ पे आप इस वक्त तो पैदल चलने की जगह नहीं है, उस टाइम यहाँ पे डबल डेकर बस चलती थी और टांगे का स्टैंड था, इक्का स्टैंड कहलाता था, तो टांगे चलते थे। हम लोग भी मसूरी से कभी आते थे तो स्टेशन से घर आने के लिए टांगा होता था, टांगे पे आते थे। और क्राउडेड बहुत हो गया है अब, वो शीन तो इस बिल्डिंग की भी अब पहले की जैसी नहीं रही है। आई हैव सीन इट इन इट्स प्राइम, और अब देखते हैं, अफसोस भी होता है, लेकिन मेंटेनेंस इज़ नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी टीडियस। एंड आप देखिए पहाड़ बांधना, पेंट कराना बहुत मुश्किल हो जाए। एक्चुअली रिमार्केबल है कि आज के टाइम पर भी ये खड़ा है और इस कंडीशन में खड़ा है, बिकॉज देर आर मेनी अदर हाउसेज इन द सिटी हु हैव नॉट हैड दैट टाइप ऑफ मेंटेनेंस एंड देव टोटली फॉलन डाउन। द सेकेंड इज द एस्टेट गून्स, एज आई वुड लाइक टू कॉल देम, दे वुड गो अराउंड एंड दे वुड असर्प ऑल प्रॉपर्टीज। सो द ओनर्स हैव ट्राइड टू कीप दैट इंटैक्ट एंड दे हैव नॉट सोल्ड इट, दे हैव नॉट गिवन इन टू दैट प्रेशर, दैट इज़ अ वेरी रिमार्केबल थिंग। क्योंकि इस टाइप के घर में अगर आप एक बार पुताई कराने भी बैठिए तो एक बहुत बड़ा मेजर टास्क है, या आप छत की वाटर प्रूफिंग कराने बैठिए वो भी बहुत बड़ा काम है। तो थोड़ा बहुत अभी दिखता तो जर्जर है, इट इज़ फॉलिंग डाउन, बट बिकॉज द ओरिजिनल मटीरियल्स आर स्टिल देयर टू क्वाइट एन एक्सटेंट, इट इज़ स्टिल सेम। लखनऊ में दो ही जगह हैं जहाँ पर आपको एक छतर दिखाई देगा, यू गॉट दिस मेटल अम्ब्रेला ऑन टॉप। एक तो छतर मंजिल में था ये डोम, जिसको कॉपी करके हमने छोटी छतर मंजिल में भी बनाया था सामने, बट अनफॉर्चुनेटली इट फेल डाउन। एक ये है जहाँ पर वो गोल्डन, अब ऑब्वियसली उसकी शीन उतर गई है, देर इज़ नो गोल्ड एविडेंट, बट उसके ऊपर जो स्पायर है वो अभी भी है, वो स्पायर एक्चुअली, और वो छतर भी मेटल का है। सो द आइडिया इज़ टू टेक इन द लाइटनिंग, सो इट एक्ट्स लाइक अ लाइटनिंग कंडक्टर, वहाँ से तार ले जाकर के नीचे भी जुड़ा होता है, तो दैट इज़ वन रिमार्केबल फीचर। सेकेंड इज़ ऑल्सो द एम्बेलिशमेंट एंड द ऑर्नामेंटेशन दैट यू सी, जो भी आपको शेप्स या फॉर्म्स या जो एक जिसको हम बोलते हैं फॉल्स फसाड बना हुआ है, वो भी रिमार्केबल है इस घर का, जो एक तरीके से अवध की लेजेसी को आगे ले जाता है, कि बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल भी थी, कुछ चीज़ें नहीं भी यूज़फुल थी, उनको आइडेंटिटी के लिए बनाया जाता था। और तीसरी चीज़ मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है, वो है कि जो करिश्मा इसकी फॉर्म का था, जो इसकी टोटैलिटी का था, वो अभी भी बरकरार है। अंदर थोड़े बहुत उन्होंने चेंजेस किए होंगे, बट जो आपको इन जनरल एक होल फॉर्म दिखता है वो ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थी अवध के आर्किटेक्चर में कि वो स्टेयरकेसेस बहुत नैरो बनाते थे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो छोटी बिल्डिंग में नैरो बनाते थे। यहाँ पर भी आप देखिए बिल्कुल छोटी सी जगह में दे विल हैव स्पायरल्स एंड स्पायरल्स, बिकॉज स्टेयरकेसेस वर नेवर गिवन दैट प्रोमिनेंस। सो होता यही था कि ज़्यादातर या तो ग्राउंड फ्लोर यूज़ हो जाता था या मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोर यूज़ हो जाता था, टेरेसेस कम यूज़ होते थे। और दूसरी चीज़, जब तक ये घर बना था तब तक आयरन आ गया था, सो इसमें इन्होंने आयरन के आई सेक्शंस यूज़ करके जैक आर्च रूफ्स बनाई हैं, और ये जैक आर्च रूफ्स भी ब्रिक से बनती थी, और इनके ब्रिक के ऊपर फिर से वापस से ब्रिक की टाइल्स, टेराकोटा की टाइल्स ले करके उसकी वाटर प्रूफिंग की जाती थी, तो उससे इंसुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है छत का, जिससे कि और जो गर्मी है आती है छत से वो कम हो जाती है। सो द टेम्परेचर ऑफ दिस हाउस इन समर्स मस्ट बी रियली कम्फर्टेबल इन साइड। इसको एज इट इज़ रखना, इसके जो नक्काशी है वो वैसे ही रहे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको कारीगर अच्छे चाहिए होते हैं। यूजुअली जो लोग मस्जिदों और मंदिरों में काम करते हैं उन्हीं लोग से करवाते हैं ये काम। व्हेन वी कंजर्व इट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया हैज़ टू बी टू मेंटेन द ओरिजिनल फिनिशेस एज क्लोजली एज पॉसिबल, बिकॉज अगर हम नए फिनिशेस या नए मटेरियल्स इसमें ऐड करेंगे तो वो पुराने के साथ एडियर नहीं होंगे। पुराना जो भी लेयर चढ़ी वो अब साथ में होल्ड करके एक पीस बन गई है, हम उसको थोड़ा भी काट के अलग करेंगे तो वो पूरी चीज़ गिर जाएगी। सो द आइडिया इज़ टू लुक फॉर क्राफ्ट्समैन, विच इज़ स्लाइटली चैलेंजिंग,
जो कि इस मटेरियल में काम कर सकें। लिमिटेड लोग बचे हैं लेकिन हैं, एंड कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ठीक करके साफ़ कर सकें। अगर हम जो इसमें वेजिटेशन की ग्रोथ हो गई है या जो हम इसमें वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पानी ठीक से निकल नहीं रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा नहीं स्ट्रक्चर। You see, after 1857, that was the first war of independence, the British realized that, you know, India couldn't be taken lightly. And they, if they planned to rule here or stay here, they had to be friendlier. And one way of doing that was to build as per the Indians. So, ek style developed hua, jisko hum Indo-Saracenic style bolte hain, puri country mein. And uske liye कुछ एक इंग्लिश आर्किटेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल थे, वन ऑफ देम वॉज स्विंटन जैकब। वो उन्होंने घूम घूम करके स्पेशली राजस्थान में एक जयपुर पोर्टफोलियो बनाया और उसमें उन्होंने जितनी राजपूताना या राजस्थाना डिटेल्स थी उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। तो जिसे आप बॉम्बे में देखेंगे, आप वीटी में देखेंगे, या आप कैलकटा में देखेंगे, या आप चारबाग या विधानसभा में देखेंगे, दे आर ऑल सिमिलर। या लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखेंगे जिसमें उन्होंने डोम्स यूज़ करे, उसमें आर्चेस यूज़ करे, जिसमें वरांडा पैटर्न्स, दे वर सिमिलर। सो इट हैड अ मॉडर्न आउटलुक टू इट, इट वॉज क्लीनर, इट वॉज मोर मैसिव एंड इट वॉज पैलेशियल। तो इस घर में भी अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पर आपको सामने एक बड़ा सा पोर्टिको है जो कि एक टिपिकल कोठी या बंगलो टाइप का पोर्टिको है, बड़े आर्चेस यूज़ किए गए हैं, ऑल दोज कम्बाइंड टू गिव दैट ग्रैंड फीलिंग टू द हाउस। अगर आप देखेंगे तो अवध में और लखनऊ में फिशेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल नज़र आएगा। इनफैक्ट भी हमारी यूपी गवर्नमेंट ने भी फ़िश को काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल की तरह ले लिया है। सो दिस हिस्ट्री एक्चुअली गोज़ बैक टू द टाइम ऑफ नवाब्स, जब सादत खान यहाँ पहली बार आए थे और फैज़ाबाद जा रहे थे तो बोट में उनके सामने जो है एकदम एक फ़िश ने क्रॉस किया एंड इट यू नो काइंड ऑफ स्ट्रक इन हिज माइंड एंड व्हेन ही वाज एक्चुअली लुकिंग टू मेक अ न्यू कैपिटल इन लखनऊ He took that as an icon. तो fishes and especially pair of fishes का एक symbol हमेशा रहा जो लखनऊ में जगह जगह पर use किया गया है। और इस घर के जो front facade है उसमें भी आपको दिखेगा कि दो fishes join करके culminate कर रही हैं, और यहाँ की छत में भी आपको दिखेगा कि दो fishes एक circular motion में move कर रही हैं। In fact जितनी important buildings हैं लखनऊ की, उनके चाहे gate हों, चाहे जो front stucco है, चाहे जो दरवाज़े हैं जो हमारे ये कैसरबाग के दरवाज़े हैं, उनमें भी आपको सब जगह फ़िश का एक मेंशन ज़रूर मिलेगा। तो समहाउ दिस हैज स्टेड विद अस, यू नो द फिश हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर अवध एंड द लखनऊ रीजन। लखनऊ को बहुत खूबसूरत देखा है, अभी भी बहुत खूबसूरत है और सारे जहान में सबसे खूबसूरत शहर है। यहाँ की शाम तो मशहूर ही है, लोगों की ज़बान बहुत शीरी है, बहुत मीठी है, बहुत मोहब्बत है, बहुत अख्लाक है लोगों में, बहुत आपस में मिलजुल कर रहते हैं। गंगा जमनी तहजीब एक्चुअली आपको लखनऊ में ही देखने को मिलेगी, अगर बची है कहीं तो वो लखनऊ में है। लखनऊ के उन बाशिंदों से यही इल्तिजा है जिनके पास हैं, जिनके पास ये पुरानी रियासतें हैं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज हम बनाने खड़े हुए तो हम ये चीज़ ना बना सकते हैं ना बना पाएंगे। तो जो पुरखे बुज़ुर्ग दे कर गए हैं उसे जहाँ तक हो सके समेट के सजो के रखें, संभालें। ये आपकी और आपके पुश्तों की यादगार है, इसमें उनकी दुआएँ हैं और रहनी चाहिए। आप अपने आगे के बच्चों के लिए, आगे के जनरेशन के लिए इसको छोड़ के जाइए। मॉडर्न आर्किटेक्चर आना चाहिए लेकिन वो पुरानी बिल्डिंग्स को, पुराने आर्किटेक्चर को हटा के, गिरा के, तोड़ के बनाना, आप एक हिस्ट्री, आप एक फेस ख़त्म कर देते हैं, आप एक एरा, एक स्टोरी ख़त्म कर देते हैं, एक पूरा सागा ख़त्म हो जाता है आप जब पुरानी चीज़ हटा के नहीं बनाते। बहुत जगह आप बनाइए, नया बनाइए, बट डिसमेंटल कर दिया, पुरानी बिल्डिंग्स को आप हटा दें। एंड आज हम आप बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये है, इसलिए। सो दिस वुड, इफ दिस वैनिशेस, इफ दिस गोज अवे, सो हु एम आई, नोबडी है। जैसे सब फ्लैट्स में रह रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, रह लेंगे। हम क्या हैं ये लोग यूँ बताते हैं, अरे साहब ये हैदर हुसैन बिल्डिंग के मालिक हैं, ये चौधरी हैदर हुसैन साहब के पर पोतने, पर नातनी हैं। तो आपकी आइडेंटिटी, वो कहते हैं ना दो चीज़ें हमेशा अच्छी होनी चाहिए, एक ड्रेस और एक एड्रेस। तो
एड्रेस तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, और फिर अगर इतना लैविश है, इतना बड़ा है, हालांकि ठीक है बैगेज है साथ में, मेंटेनेंस का है, और लेकिन मेरी आइडेंटिटी, हम जो हैं, हम को लोग इसी की वजह से जानते हैं, हमारे बुज़ुर्गों को भी इसी की वजह से जानते थे, आगे वाली आने वाली हमारे बच्चों को, हमारे पुश्तों को भी लोग इसी से ही जानेंगे। सो मेरी आइडेंटिटी एक्चुअली यही है, मैं यहाँ से उठ के उधर जाके बैठ जाऊँ तो मेरी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। इंडिविजुअल चलिए करियर है, जो आदमी कर रहा है वो अलग चीज़ हो गई, बट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल कि हम क्या हैं वो हम इसी से हैं।